नमस्कार, कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ एक ऐसी जोड़ी है जिन्होंने एक दूसरे का हाथ तो थामा ही है, लेकिन ये बहुत ही सुखद संयोग है कि हाथ तो उन्होंने थामा है और वो पति पत्नी हैं और दाम्पत्य जीवन की गाड़ी बहुत बेहतर तरीके से उनकी आगे बढ़ रही है। और अगर आप बात करें प्रोफेशनल फील्ड में, तो यहाँ भी वो एक दूसरे के साथ इस मायने में चलते रहे हैं कि वो एक ही सर्विस से आते हैं, एक ही फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, अखिल भारतीय पुलिस सेवा की, और उनके दायित्व तो भी एक जैसे हैं। ये जितना आसान दिखने में लगता है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि दोनों ही दायित्व जो हैं वो अखिल भारतीय पुलिस सेवा के हैं और पुलिस अधीक्षक के हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और कैसे वो आज बड़ा यूनिक एक कॉम्बिनेशन है हमारे साथ, तो मैं ज़्यादा इस पर सस्पेंस नहीं बरकरार रखूँगा और सीधे आपकी मुलाकात कराता हूँ। अखिल भारतीय पुलिस सेवा के 2009 बैच के दंपत्ति जो हमारे साथ हैं, मुलाकात करिए, जो वर्तमान में जबलपुर पुलिस अधीक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, शशिकांत शुक्ला जी और उनकी अर्धांगिनी और उनकी पत्नी, और अखिल भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी मोनिका शुक्ला जी जो नरसिंहपुर की पुलिस कप्तान का दायित्व निभा रही हैं। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। आपसे ही शुरुआत करता हूँ मोनिका जी। मैं जब हम इस प्रोग्राम में पीछे ले जाते हैं, हम जानना चाहते हैं सपना। हमने आपको हमेशा एक विजिलेंट, एक बहुत ही अपराइट ऑफिसर के तौर पर देखा है। क्या सपना था जब स्कूल में रही आप, और एक ड्रीम आपके मन में था? फिर यही सवाल मैं शशिकांत जी से भी पूछूंगा। संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, उस वक्त क्या वर्दी पहनना और वो भी अखिल भारतीय पुलिस सेवा और एक किसी ज़िले को संभालना, ये सब ख्वाब था आपका? वर्दी पहनने का ख्वाब आई थिंक जब कॉलेज में पढ़ते थे तब आया था। पड़ोस में एक हमारे अधिकारी रहते थे, वो वर्दी पहनते थे, उनको देख के कहीं लगा। मेरे पिताजी एनसीसी में थे तो ये एक दिमाग में था। और जब पीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो हमने इसमें पुलिस सेवा का ही चूज़ किया। तो कहीं ख्वाब तो बचपन से ही आपके मन में था, खासतौर से जब एनसीसी में आपका आना हुआ तब। जी। शशिकांत जी, आपका क्या अनुभव था उस वक्त? क्या सपना पुलिस सेवा ही थी? पुलिस सेवा में नहीं आना चाहता था मैं, इनिशियली जो है वो आर्मी में जाना चाहता था, मगर कुछ कारणों से आर्मी में जाने का संयोग नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो हमने चूज़ किया वो पुलिस सेवा का चूज़ किया, तो फिर पुलिस में आए। मगर वर्दी पहनने का शौक बचपन से था। बचपन में था जी। आप दोनों की जब आप परिणय बंधन में बंधे, उस वक्त आप दोनों सर्विसेज में आ चुके थे? नहीं नहीं, हम लोग एक्चुअली हमारा एंगेजमेंट काफ़ी पहले हो गया था, मतलब करीब महीना भर पहले हो गया था ट्रेनिंग में जाने से पहले। और ट्रेनिंग में जाने के उपरांत 1 फरवरी को हम लोगों ने ज्वाइन किया, 1 महीने बाद ही हमारी शादी हो गई। 1 महीने बाद हम दोनों पुलिस सेवा में चयनित हो गए थे। हमारी अरेंज मैरिज है जी। और हमारी जिस समय एंगेजमेंट हुई उसके 1 महीने बाद हमने ये पद ज्वाइन कर लिया था। जी जी। ये मुझे बताइए, ये बड़ा बड़ा लोगों के लिए भी बड़ा दिलचस्प होगा जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, कि आप दोनों ही सर्विसेज के पुलिस सेवा में आपने चुना, कैसे घर में जो सामंजस्य था इसके लिए पहल कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि ये बड़ा अपने आप में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट की बात थी, लेकिन कहीं ये चीज़ थी कि घर, इधर गृहस्थी की गाड़ी और उधर एक चैलेंजिंग जॉब। यदि हमने ये पाया है कि दोनों चूँकि पुलिस सर्विसेज में हैं तो इसके जो अप एंड डाउन होते हैं वो दोनों समझते हैं, तो ये चीज़ बड़ी आसान हो जाती है। यदि शायद एक पुलिस में नहीं रहता एक जीवन साथी तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों खुद जॉब करते हैं, इसमें हमें मालूम है क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं रहा। हाँ ये सत्य है कि चूँकि यदि मैं जॉब में हूँ तो दिक्कतें आती हैं, बच्चों को पालने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने बड़ा कोऑपरेट किया इसमें। अच्छा, उसमें कहीं कोई, शशिकांत जी आपका क्या अनुभव रहा इसको लेकर? नहीं, मेरा ये सोचना है कि वास्तव में एक नौकरी में रहते हुए एक दूसरे की समस्या को समझना और उस समस्या से निकलना ज़्यादा आसान रहता है। यदि हम दोनों जैसे पुलिस में रहे तो अमूमन हम लोगों ने इनिशियली प्रयास भी यही किया कि एक फील्ड में रहा, एक लूप लाइन में रहा, ताकि घर जो परिवार है वो चलता रहे, और बच्चे उस हिसाब से हमारे काफ़ी ठीक पढ़ भी गए। तो जी, बच्चों की बात हुई है तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि अभी वो किस लेवल पर हैं, कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं या वो भी? बड़ा बेटा हमारा बिट्स पिलानी गोवा से अभी फाइनल ईयर बीटेक कर रहा है, उसका फाइनल ईयर है। बिटिया छोटी अभी डेली कॉलेज इंदौर में है, वो हॉस्टल में है। अच्छा, वो हॉस्टल में। दो ही बच्चे हैं। एक्चुअली जब हम लोग दोनों एसपी बने तो फिर हमारा थोड़ा इधर उधर ज़्यादा पोस्टिंग्स हुई, तो अभी 2 साल पहले हमने बिटिया को हॉस्टल में डाला।
बिट्स पिलानी या इंजीनियरिंग के जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे अखिल भारतीय सेवा में आने वाले अधिकारियों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो क्या मोनिका जी उन्होंने प्लान अप कर रखा है कि बिट्स पिलानी के बाद वो यहाँ भी एक अपना भाग्य आजमाए? बेटा भी इसी सेवा में जाना चाहता है जी, देखते हैं। अच्छा, जाना चाहते हैं वो, वाह वाह। मैं जी, आप क्या प्रेफर, आपने क्या सोचा हुआ है कि मतलब हालांकि तय तौनी को करना है, नहीं जाना चाहता, प्राइवेट में नहीं जाना, नहीं जाना चाहता, और मेरे ख्याल से बच्चा जो चाहे वो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वो जो उसकी इच्छा हो। जब आप दोनों सर्विसेज में रहे और एक तरफ इधर चैलेंजिंग जॉब, हालांकि आप लोगों का कॉम्बिनेशन बड़ा अद्भुत है, जो आपको जानते समझते हैं वो कहते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा और प्यारा सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन कभी अगर कुछ तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर होती हैं, मेरे घर में भी होती हैं, शायद आपके घर में भी हो सकती है। आप लॉ एंड ऑर्डर घर की बात कर रहे हैं बाहर की? मैं घर की बात कर रहा हूँ जी, बाहर के लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे तो आप दोनों बड़ी कॉम्पिटेंसी के साथ निपटते रहे, घर में कौन बहुत बढ़िया भूमिका निभाता था, मोनिका जी या शशिकांत जी? मेरे हिसाब से तो मैं ही निभाती हूँ। अरे कमाल है, वाह। तो मैं मान लेता हूँ। तो किस तरह से मोनिका जी, क्या भूमिका होती थी आपकी, किस तरह से आप, क्या शशिकांत जी, क्योंकि ये जिस रीजन से भी आते हैं वो माना जाता है थोड़ा वोलेटाइल वो रीजन है, भिंड से आते हैं शशिकांत जी? इन्होंने क्या है कि ये भिंड के जरूर है मगर ये बोर्डिंग में रहे हैं फुल टाइम। अच्छा। ये बोर्डिंग में पड़े हुए हैं तो घर में इन्होंने एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। यदि मैं फील्ड में हूँ या मैं कहीं लॉ एंड ऑर्डर में या किसी नौकरी में बिजी हूँ, तो जिस प्रकार से मैं घर चलाती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, उसी प्रकार से इन्होंने ये वो रोल प्ले किया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आई जी जी। और अगर कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हुई तो सबसे पहले उसको बिल्कुल सरेंडर करके और बिल्कुल एट ईज करके सारी स्थितियों को, तनाव को हटाने का काम मोनिका जी अधिक करती रही हैं, शशिकांत जी आप करते रहे? समय समय पर अलग 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 भूमिका है। हाँ। और यही आइडियल कॉम्बिनेशन होता है। आप कुछ ऐड करना चाहें? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मेरे ख्याल से यही आदर्श दाम्पत्य जीवन का सूत्र है, क्योंकि मैं भी निश्चित रूप से मेरा थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर है, तो हालांकि इसका भी थोड़ा एग्रेसिव नेचर है, लेकिन फिर भी जब मैं एग्रेसिव थोड़ा ज़्यादा हो जाता हूँ तो फिर ये थोड़ा कूल हो जाती है। जी जी। तो जब आप पुलिस सेवा में आए शशिकांत जी, तो कई बार हम जब उस किसी भी प्रोफेशन को चुनते हैं, जब उसमें आते हैं, तब हमको लगता है कि ये कितना हमारे व्यक्तित्व को भी मैच करता है और कितना मुझे इसमें मज़ा भी आ रहा है। आपका क्या अनुभव रहा जब आपने पहले DSP और बाद में आपने अखिल भारतीय पुलिस सेवा? एक्चुअली एक तो जिस इलाके से हम लोग हैं, भिंड मुरैना में, पुलिस का बड़ा क्रेज़ है, इनफैक्ट यूनिफॉर्म का ही क्रेज़ है हमारे यहाँ। आर्मी पुलिस सबसे अच्छा ऑप्शन लोग मानते हैं। और उसके बाद जब नौकरी में मैं आया, पहला पोस्टिंग जो है मेरा रायसेन, फिर भोपाल वगैरह में काफ़ी समय रहा, उन सभी में डेली लॉ एंड ऑर्डर में जिस प्रकार मैं देखता था, तो मुझे मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत जॉब में हूँ। इनिशियली मैं आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन आज कभी मुझे महसूस ज़रूर होता है जब मैं आर्मी को जाके देखता हूँ, लेकिन पुलिस में आने के बाद भी मुझे लगता है नहीं, आई सूट फॉर इट, मैं सूट करता हूँ इसके लिए, मेरा नेचर सूट करता है इसके लिए। जी 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 जी। और चूँकि जैसे भी समय समय पर चुनौती आती रही, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा क्रिमिनल फ्रंट पर भी और क्राइम फ्रंट पर भी, तो सही समय सही निर्णय होते रहे और आगे बढ़ते रहे। इस जॉब में सबसे बड़ी एक जो माइनस पॉइंट होता है, समय की कमी या समय पर अवकाश ना मिलना, जिससे कुछ हमारे जो पारिवारिक दायित्व होते हैं वो हम नहीं निभा पाते, ये कई बार तनाव का कारण दे देता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, कोई राजनीतिक परिस्थितियां, उसमें इतना तनाव नहीं होता जितना घरेलू परिस्थितियों में बच्चों को या परिवार को आप समय नहीं दे पाते, ये होता है। लेकिन ओवर एंड ऑल जब हम दूसरे जॉब को देखते हैं तो हमको अपना जॉब 100% सेटिस्फेक्शन देता है। जी 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 जी। कोई ऐसा अनुभव आपका, ऐसे तो सैकड़ों अनुभव होंगे, जब क्योंकि ये सीधे पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने वाला ये काम है आपका, कोई ऐसा अनुभव आपको जहां आपको बहुत एक मन की बड़ी गहरी संतुष्टि हुई हो कि आपने किसी बहुत ही ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसकी जो पीड़ा थी उसको दूर करने के लिए एक प्रयास आप करा? अब ऐसा कोई विशेष अनुभव तो नहीं है, लेकिन कई बार हमारे पास लोग आते हैं, कई बार मैं एक इंसिडेंस ऐसा सुनाता हूँ आपको। रायसेन में था, जैसे जब मैं पहला पोस्टिंग था मेरा SDOP रायसेन के मतले पर, और एक हरिजन एक्ट का एक केस आया, तो हरिजन एक्ट के केस में जिस गांव में हम गए थे वो एक मतलब गांव पूरे घर एक बहुत विशाल घर के चारों तरफ गांव बना हुआ था वो विदिशा बॉर्डर पर, और जब मैं गया तो मुझे लगा कि वास्तव में ये अत्याचार हुआ है।
और वो एक अत्याचार नहीं था, वो बहुत सारे अत्याचार थे, कई घरों के ऊपर थे उस एक परिवार के द्वारा, और ये हमारे यहाँ रिपोर्ट हुआ है। तो उस रात को लगभग हमने उस पूरे परिवार को गिरफ्तार किया, और उसमें जितने 3-4 पुरुष थे, 2 माँ बाप भी थे, और अल्टीमेटली उसमें सजा हुई। सजा ही नहीं हुई, उसमें एक जो उनका पिता था वो तो जेल के अंदर ही मर गया। जी जी जी। और उसमें सजा हुआ, सब लोगों को सजा हुई, वो बिल्कुल ट्रू केस था। और उन्होंने अत्याचार केवल उस परिवार पर नहीं बल्कि बहुत सारे परिवारों पर किए थे, एक परिवार तो घर छोड़ गया था। तो मुझे बड़ा संतुष्टि आज भी मिलती है उस केस को याद करता हूँ मैं। एक समाज के 6 लोगों को सजा हुई, कमजोर और वंचित वर्ग की मदद के लिए पुलिस प्रशासन का हाथ सामने आया, और आपको खुद भी निजी तौर पर बहुत संतुष्टि हुई कि जो एक्सप्लॉयटर्स थे वो बिहाइंड द बार हुए, वो सिखों के सजा हुई, सब सजा हुई। जी जी, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। मोनिका जी, बहुत व्यस्तता रहती है, एक पुलिस कप्तान की भूमिका को समझा जा सकता है, फिर भी जो वक्त मिलता है, क्योंकि एक गृहिणी, एक माँ, एक पत्नी, इस दायित्व के लिए आपकी एक जिम्मेदारी और स्वाभाविक तौर पर, जो आप खुद ही अपने भीतर से ही निकलती है, आपके भीतर से वो जिम्मेदारी, तो जो वक्त बमुश्किल मिलता है, कैसे अपने को रिलैक्स करती हैं, कैसे अपने कुकिंग या आपकी हॉबीज और क्या? कुकिंग इनकी हॉबी है। अरे वाह, कमाल है, वाह। मेरी हॉबी किताब पढ़ना, रीडिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग। तो मतलब जहाँ कहीं भी आपका, मेरे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है जी, ऑटोबायोग्राफी ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो जहाँ समय मिला अपनी किताबें पढ़ना शुरू हो गई। अभी बच्चे मेरे हॉस्टल में रह रहे हैं, नहीं तो जो जब बच्चे साथ थे तो बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ बोर्ड गेम खेलना जी, पेंटिंग करना। ये आपकी चीज़ है। ऑटोबायोग्राफी में आप क्या मतलब भारतीय लेखकों को ही पढ़ती हैं या पश्चिम के भी? सारी को। जी जी। कौन सी आपकी फेवरेट आत्मकथा रही है जिसको आपने काफ़ी इंजॉय किया पढ़ने में? मैडम क्यूरी की। वो आपको काफ़ी पसंद आई? हाँ, उस समय बचपन में पढ़ी हुई थी, तो बड़ी गहरे जी उनका जो स्ट्रगल हुआ था उसको लेके बड़ा वो लगा, और एक विवेकानंद जी की भी। जी जी, आत्मकथा वो भी आपको बहुत अच्छी लगी। आप सर, कुकिंग में आपकी हॉबी क्या है, और क्या कभी वक्त मिल जाता है किचन में जाने का भी? एक्चुअली वो छोटे डिस्ट्रिक्ट में थे तब हमको वक्त मिल जाता था, लेकिन अब जबलपुर में तो निश्चित रूप से इट्स नॉट पॉसिबल, कभी प्रयास भी नहीं करते। मेरे को संगीत का भी बहुत शौक है, तो मैं गाना गाता भी हूँ और सुनता रहता हूँ तो गाता हूँ। अरे वाह। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो मॉर्निंग वॉक का 1 घंटे का समय रहता है, वो 1 घंटा वॉक करता हूँ, उस समय कान में ईयरफोन लगा के बढ़िया गाना सुनता हूँ, सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग मुझे वही समय लगता है। मतलब जो प्रेशर्स रहते हैं, जो दबाव हैं, उनको रिलैक्स करने का एक आपने बड़ा अच्छा मैकेनिज्म सुबह 1 घंटे की वॉक में ढूंढ निकाला। 1 घंटे का वॉक में ही ईयरफोन लगा के गाने सुनता हूँ बढ़िया, तो मुझे वो वॉक का भी पता नहीं चलता है और बिल्कुल मैं अपनी दुनिया में खो जाता हूँ। वो क्या क्या पसंद है आपको? लाइट म्यूजिक पसंद है या किशोर कुमार या नहीं? क्या लाइट म्यूजिक सुनता हूँ, नए पुराने सब गाने, अब ज़्यादातर नए गाने सुनता हूँ, एकदम नए गाने, अरमान मलिक, अरिजीत सिंह, ये सब सुनता हूँ। और क्या कुछ थिएटर या अभिनय की तरफ भी कभी रुझान रहा? नहीं, वो बस क्योंकि बोर्डिंग्स में आप रहे, बोर्डिंग्स में कहाँ रहे? मैंने प्ले में पार्टिसिपेट किया है, प्ले में पार्टिसिपेट किया है, बट वो मतलब अब उतना न तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, न जा सकते हैं, तो वो बंद रहा हो। पुलिस में जो एक प्रेशर आता है, इस प्रेशर से कोप अप करने का हर अधिकारी का अपना एक मैकेनिज्म होता है। सबसे बेहतर तरीका तो अधिकांश लोग यही कहते हैं कि अपराइट रहिए, अपने कर्तव्य का निष्पादन ठीक से कीजिए, यही सबसे बढ़िया तरीका है, और रिलैक्स हो जाइए। देखिए, हम मेरा ये सोच है कि जब हम निस्वार्थ भाव से निर्णय लेते हैं तो ऐसा मन में मेरे में भाव आता है कि वो निर्णय हमेशा ईश्वर के द्वारा गाइडेड होता है, गाइडेड है, इट इज़ गाइडेड। जब आपका निर्णय निस्वार्थ भाव से आप करते हैं तो जैसे वह कहते हैं ना अपने हिंदू माइथोलॉजी में कि ईश्वर तो दिल में रहता है, तो वो ईश्वर एक्चुअली गाइड करता है आपके निर्णयों को, तो आपके निर्णय गलत नहीं होते, लेकिन उसके लिए निस्वार्थ भाव होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप जब निर्णय लेंगे तो आपको लगेगा जो कुछ करा रही है मैया करा रही है, माँ करा रही है, जो निर्णय है वो माँ का है, हम तो उसमें एक साधन मात्र है। कहीं एक आध्यात्मिक भाव भी और एक, हाँ, उस तरह का भाव भी मन में होना चाहिए। बिल्कुल, तो कभी दिक्कत नहीं होती। और दूसरा, जब निस्वार्थ भाव से हम काम करते हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार के दुर्भाव इस प्रकार का न रहे, इम्पार्शियलिटी रहे मन के अंदर, तो आपके निर्णय भी तेज होते हैं और आपको टेंशन भी नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। उसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जो पुलिस में कई तरह के तनाव होते हैं, वर्क रिलेटेड तनाव, आपके ऑफिसर्स या सबॉर्डिनेट के तनाव,
लेकिन इसको क्या है कि रूटीन लाइफ में मान लेना चाहिए। इसको हम दोनों ही घर पे नहीं लाते हैं। हमारी ऑफिस की जो समस्या है जी, हमको शायद एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, हमें मालूम ही नहीं चलता। डिस्कस भी नहीं करते ना, हम कभी चर्चा करते ना डिस्कस करते, और घर में आके हम भूल जाते हैं। यद्यपि जैसे यदि कोई बड़ा तनाव है दिमाग में तो चलता रहता है, लेकिन घर में ना तो हम दोनों को ना बच्चों को मालूम रहता है कि इनके ऑफिस में क्या चल रहा है। और जो तनाव है उसको एक वे ऑफ लाइफ मान लेना चाहिए कि ये तो हमारा जीवन का अंग है, इसमें तनाव पालने से खत्म तो होता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात करना चाहिए, और यही हम खुद भी करते हैं और दूसरों के सबॉर्डिनेट्स भी कई बार परेशान होते हैं, उनको भी यही बताते हैं। जैसा शशिकांत जी ने कुछ देर पहले हमें बताया कि वो सुबह वॉक पे निकलते हैं और बढ़िया नए पुराने गाने चलते रहते हैं, आप जब बहुत प्रेशर होता है लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर, कई त्योहार आ जाते हैं, कई बार टेंस सिचुएशंस होती हैं, तो आपके हाथ में कोई बढ़िया किताब होती है या कुछ और भी मैकेनिज्म है आपका तनाव मुक्ति का? जब बच्चे रहते थे तो सबसे अच्छा तरीका तनाव दूर करने का बच्चों के साथ खेलना या बच्चों के साथ समय बिताना है। अभी ये है कि बच्चों के साथ फ़ोन पे बातें कर लेते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पे बातें कर लेते हैं, उससे तनाव दूर हो जाता है। टीवी देख लो आप, किताबें पढ़ लो। मतलब एक इन हाउस पूरा मैकेनिज्म है तनाव दूर करने का कि जब भी हो, और सबसे अच्छा तरीका तो है कि अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। अच्छा, अपने बच्चे, अपने फैमिली मेंबर, अपने हस्बैंड, अपने दोस्त, इनके साथ आप समय बिताओ तो सारा तनाव चला जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और जो एक चीज़ होती है जो आपके सहकर्मी हैं जो आपके साथ काम करते हैं, खासतौर से जब आप पुलिस अधीक्षक के दायित्व में होते हैं और आप दोनों बहुत महत्वपूर्ण ज़िले संभाल रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो अपने सहकर्मियों को भी तनाव मुक्त करना लीडर के नाते आपकी जिम्मेदारी होती है। आप क्या तरीके अपनाते हैं, क्योंकि पुलिस कर्मियों खासतौर से लोअर स्टाफ जो है, लोअर रंग जो पुलिस का है, ये बार बार सवाल उठता है कि वो बहुत तनाव में है। क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने तनाव को कम करने का स्वयं तरीका ढूंढना पड़ेगा। हमारे स्तर पर हम ये करते हैं कि हम तनाव देते नहीं हैं। क्या बात है, जैसे बहुत अच्छी मेरे बात, अपना ये रूटीन बनाया हुआ है कि मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा आदमी को कब तनाव होता है कि उसका कहीं ट्रांसफ़र अलग उल्टा सीधा हो गया, वो कहीं गलत जगह पोस्ट हो गया। मैंने अभी जितने बार भी ट्रांसफ़र्स किए, मैंने मैसेज किया सभी को कि अपने तीन ऑप्शंस लिख कर दे दें, जिसको भी चार साल से ऊपर हो गए हैं तो वी विल ट्राई टू अकोमोडेट। तो चार साल से ऊपर यदि हमको DGP का मैसेज था कि चार साल से ऊपर जो भी उसको ट्रांसफ़र करना है, तो हमने सबको मैसेज कर दिया। 10 दिन तक हमारे पास ऑलमोस्ट 80% लोगों के मैसेजेस आ गए। उन 80% लोगों में से हमने 90% लोगों को सेटिस्फाई करने का प्रयास किया कि उनकी प्रथम तीन चॉइसेस में से कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाए। और इसी प्रकार मैं ऑफिस में पूरे समय बैठता हूँ, मेरे पास जो भी सबॉर्डिनेट आता है ही इज़ अलाउड टू कम डायरेक्टली। मैंने कह रखा है कि अपना पुलिस का यदि कर्मी है तो पर्ची भी मत लिखाइए, उसको सीधे आने दीजिए, लेट हिम कम। हम उसको सुन लेते हैं, सुन के उसकी जो भी समस्या जितनी हमारी निराकरण योग्य होती है हम कर देते हैं। कई बार इनजेन्युइन डिमांड्स होती हैं तो फिर वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि जेन्युइन डिमांड्स हैं और मेरे पास तक ऑलमोस्ट 90% जेन्युइन डिमांड्स आती हैं, 5-10% होते हैं इनजेन्युइन, लोग भी आ जाते हैं कि हमें साहब फलाना ही चीज़ चाहिए, हमको तो यही करना है, ऐसे लोगों की संख्या बड़ी कम है। तो मुझे लगता है मैं मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाई कर सकूँ, ये मेरा प्रयास रहता है। यदि कोई थाने में भी जाता हूँ, आई टॉक टू देम, बात करता हूँ, वो सबको एक साथ भी बुलाकर, किसी की अलग से समस्या है तो आ जाओ मेरे पास, कोई भी आ जाओ। अभी कुछ दिन पहले ही एक जो है एक महिला आरक्षक अपने बच्चे के साथ आ गई और अचानक उसने मेरे से कहा, बोले साहब मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं आत्महत्या कर लूँ। अरे मुझे लगा कहाँ से, तो आई टोल्ड हर बैठो बेटा, बैठो शिवजंग, मैंने कहा बैठो बेटा तुम क्या समस्या है तुम्हारी, तुम मेरे को बताओ। उससे कम से कम 10 मिनट उससे, उसकी बिटिया से, दोनों से बात किया, और 10 मिनट के बाद मुझे लगा ऐसा उसकी आंखों से देख करके लगा कि शायद वो संतुष्ट थी। वाह वाह, ये मुझे लगता है ये एक HR की भी जिम्मेदारी है। हाँ। और वो जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है और आप उसको बहुत बेहतर तरीके से। ऐसे कभी कॉन्स्टेबल्स एक दो बार आ जाते हैं, थोड़ा सा अचानक से मन में एरोगेंस आ गया, मन में कुछ चीज़ आ गया, तो प्रयास करते हैं कि उससे बात करें, बात करेंगे, कुछ उसकी छोटी मोटी समस्या है जनरल जो अपन निपटा सकते हैं अपन निपटा। मोनिका जी, आप भी इसी तरह से बात करते हैं। मेरा एक माइनस पॉइंट क्या है जो मैं दूर करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, सामने वाला काम सही नहीं करता तो नाराज जल्दी हो जाती हूँ, लेकिन मैंने कभी लिखा पढ़ी ज़्यादा नहीं करी है। तो जो मेरे सबॉर्डिनेट हैं उनको शुरू में ज़रूर लगता है कि मैडम बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हैं, डांटती हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे मेरे साथ अगर समय बिताएंगे तो उनको लगता है कि ये जो लिखा पढ़ी वाला काम होता है, कारण बताओ, ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, वो लोग जिस जगह रहते हैं
उनके घर की क्या कंडीशन है, उनके ऑफिस में या घर में टॉयलेट्स कैसे हैं, किचन, मेरा हमेशा ध्यान जाता है। तो मैं जिस जगह यूनिट हेड रही हूँ, मैंने सबसे पहले लाइन के घर हो या उनके जो थाने में जो उनकी अकोमोडेशन हो, जितना मेरे से संभव हुआ है मैंने उसको बनाने की कोशिश की है। दूसरा, एक सामाजिक तौर पर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। यदि कोई पुलिसकर्मी जिससे थोड़ा ज़्यादा परिचय रहता है मुझे अपने यहाँ शादी विवाह में या पार्टी में बुलाता है तो मैं हमेशा जाती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने सहकर्मियों की क्या स्थितियाँ हैं उनके घर में, आपकी तवज्जो उसकी तरफ भी रहती है, जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। कंक्लूड करते हुए इस इंटरव्यू को, ज़िंदगी चलती है जैसे पानी बहता है, ज़िंदगी चलती रहती है। आप दोनों एक बहुत टफ जॉब में भी हैं, एक बहुत चैलेंजिंग जॉब में भी हैं, और उसके साथ ही आप दोनों उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ज़िंदगी में आनंद जो कि मूल तत्व है ज़िंदगी का, वो बना रहे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या आप शेयर करना चाहेंगे अपने अनुभव कि कैसे, ठीक है आप बहुत टफ जॉब में हैं, चुनौतियाँ हैं, लेकिन आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास, एक ताकत ये भी है, लेकिन इसके बीच में आप माता पिता भी हैं, बच्चों के करियर के बारे में भी सोचना है, रिश्तेदारों को भी वक्त देना है, किस तरह से ज़िंदगी का समायोजन करके हम आगे बढ़ें जिससे अच्छे पति पत्नी और माता पिता भी हों और अच्छे ऑफिसर भी हों। मोनिका, ज़िंदगी का समायोजन है कि मेरे पेरेंट्स ने और इनके पेरेंट्स ने हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग में काफ़ी मदद की, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। आज मैं जॉब में थी तो मेरे पेरेंट्स ने उस समय बच्चे पाले, और मेरे जो इन लॉज हैं उनने भी, मतलब दे फील प्राउड कि उनकी बहू पुलिस में है। क्या बात, उन्होंने समय समय पे कभी भी कोई दिक्कत आई तो इनके भी पेरेंट्स ने मेरा हौसला बढ़ाया। हमारे बच्चे हैं, उनने कभी शिकायत नहीं की सर, सबसे ज़्यादा हमारे वर्कलोड से सफ़र हमारे बच्चे ही हुए हैं, मगर वो बेचारे स्थिति को समझ जाते हैं कि नहीं अब वो लोग बिजी हैं, नहीं आ पाएंगे, या कहीं हो सकता है हमने छुट्टी जाने की योजना बनाई, टिकट कन्फर्म होगी मगर वो कैंसिल हो गई, तो वो अब इस लाइफ में अब धीरे धीरे एडजस्ट हो चुके हैं। तो अब लाइफ में क्या है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। तो जब हमें समय मिलता है, अब ये मिलता बहुत मुश्किल से है, चार लोग हैं, चारों के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि साल में एक या दो बार हम लोग वीकेंड्स में कहीं बाहर चले जाएं, तो इससे हमारा शायद तनाव फ्री हो जाए परिवार के साथ, दोनों बच्चों के साथ। मेरा क्या है, मैं अपने सबॉर्डिनेट से भी एक बात हमेशा कहता हूँ कि सुख और दुख एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज़ ओनली अ मेंटल स्टेज। हम किसी भी चीज़ को एक सिचुएशन में एक आदमी बहुत सुखी फील कर सकता है, उसी सिचुएशन में दूसरा आदमी दुख फील कर सकता है, क्योंकि इट्स ओनली मैटर ऑफ थिंकिंग कि हम उसके बारे में सोचते कैसे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को एक किसी अच्छे पढ़े सर, मुझे ये बताएं, ये बहुत खूबसूरत सोच है, ये बनी कैसे, ये आपने कहीं किसी फिलॉसफी को अडॉप्ट किया है आपने, या ये आपके अनुभव से आपने इसका अनुभव से इट्स माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने कई सिचुएशन में देखा कि आदमी बड़ा दुखी है, मैंने उसको जाए कहा यार काहे का दुखी, यार कितने आनंद आ रहा है यहाँ पे, इट्स सो नाइस, बढ़िया है। तो ये एक सोच का विषय मैं अपने सभी को कहता हूँ, क्या जैसे एक बहुत अच्छा सूटेड बूटेड आदमी, आप बोल दो उसको कि यार तुम सुनो उस रेत पे जाकर के सो जाओ आज रात में, तो उसको रात में ना तो नींद आएगी और वो ही रात भर सोचता रहेगा कितनी ख़राब सिचुएशन मेरे को डाल दिया रेत पे, हाउ कैन आई स्लीप। जबकि एक मजदूर है उसको यदि सोने के लिए जिसको बहुत अच्छी जगह नहीं मिलती, रेत इज कंपैरेटिवली कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल, तो अगर उसको रेत पे सोने के लिए मिल जाएगा तो रात में ऐसे प्रेम से सोएगा एंड ही विल फील कंफर्टेबल इन दैट पोजीशन। तो ये एक मैटर ऑफ थिंकिंग है कि हम किस किस सिचुएशन में अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। पुलिस वालों से मेरा यही कहना होता है कि आप इस जॉब में आप तो आ गए भैया, किसी ने आपको पीले चावल देके तो बुलाया नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप अपनी मर्जी से आए, एक ऑप्शन आपने चुना, अब इसमें हो तो इसकी अच्छाई और बुराई दोनों को आत्मसात करके हमें चलना पड़ेगा, तभी हम इसका सुख भोग सकते हैं। बहुत और सुख भोग करके जो भी सिचुएशन है उसको एंजॉय करो, लॉ एंड ऑर्डर है, वी हैव नॉट डन इट, आपके सामने हो रहा है ना, आपका जो कर्तव्य आपको कहता है वो आप कृत्य करिए एंड एंजॉय इट। मोनिका जी, आपने कितना सीखा, बहुत बढ़िया दर्शन है इनका। आप कहती हैं कई बार आपको थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन इनके साथ रह के कितना कम हुआ वो गुस्सा। मेरा तो ये थीम है कि इंसान को हर हालत में प्रसन्न रहना चाहिए और जीवन में छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए। ये मेरा शुरू से ही एंजॉय, मतलब ये सीख थी या एक जीवन की फिलॉसफी थी, और इसी को लेकर आप इसी को लेकर हम दोनों सुखी चल रहे हैं। और वो आपके चेहरों पर है, और हम बहुत दुआ करते हैं, बहुत विश करते हैं कि एक आइडियल कंपेनियन के तौर पर तो आप लोग ये सफ़र तय करते चले ही आ रहे हैं, एक बेहतर ऑफिसर के तौर पर भी आप इस सफ़र को तय कर रहे हैं, एक पेरेंट्स भी हैं आप इसमें, माता पिता भी हैं,
एक पुलिस अधिकारी भी हैं और बहुत सुंदर बात आप दोनों कहते हैं। एक और चीज कहना चाहूंगी, बिल्कुल, कि हमारी जो पहचान बनी है या हमें लोग इज्जत देते हैं वो हमारी वर्दी के कारण देते हैं। तो जब हमारी इस वर्दी के कारण हमें इज्जत मिल रही है, हमें नाम मिल रहा है, तो हमको भी इसमें जो हमारे कर्तव्य हैं या दायित्व हैं उनको पूरा करना चाहिए और इस जिंदगी में खुश रहना चाहिए। जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मोनिका जी, बहुत आउटस्टैंडिंग सोच है, बहुत जीवंत एक, न सिर्फ आप पुलिस ऑफिसर हैं बल्कि एक दंपत्ति के तौर पर भी उतने शानदार, नायाब और बेजोड़ नज़र आते हैं। बहुत धन्यवाद शशिकांत जी, धन्यवाद मोनिका जी, और आने वाले आपके करियर के लिए, आने वाले आपके जीवन के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर शशिकांत जी और उनकी पत्नी मोनिका जी। शशिकांत जी जबलपुर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मोनिका जी नरसिंहपुर की, और आप देख सकते हैं उनकी जीवंतता, उनका उल्लास ये उनके चेहरे पर है, ये प्रसन्नता उनके व्यक्तित्व में नज़र आती है। और इसके पीछे जैसे शशिकांत जी बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, उनका कहना है कि ये परसेप्शन है कि आप सोचते हैं अच्छा और बुरा, ये एक मेंटल स्टेट है, ये एक मानसिक मनोदशा है कि आप ये मानते हैं किसी एक परिस्थिति में कोई बहुत खुश है और उसी परिस्थिति में दूसरा बहुत दुखी है, तो ये आपकी सोच है। सरनामा में इतना ही, अगली बार एक और अफसर या अफसर दंपत्ति के साथ आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।